डिडेड बाई एट आर्स जो कि एक वर्कर कंट्रीब्यूट uh, कर रहा है तो हमारे पास टोटल वर्क फोर्स आती है सेवन पॉइंट सिक्स इसको राउंड ऑफ कर कर uh, इसको एट कर दिया दैट इज द रिक्वायरमेंट टू मीट द मिनिमम डिमांड इन गिवन मंथ एंड दैट इज मार्च का महीना हमने लिया है और उसकी मिनिमम uh, हमारे पास डिमांड uh, थी अब इसके बेसिस के ऊपर हमने वो जो डिमांड है उसका तो रेगुलर टाइम में मीट हो जाएगी बट इससे ऊपर जहाँ जितनी भी डिमांड होगी वो हमने सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए मीट करनी है अगेन कॉस्ट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड हियर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज फाइव डॉलर पर यूनिट पर मंथ बट क्योंकि हम इसमें इन्वेंट्री को मेंटेन नहीं करेंगे हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए करेंगे तो इसके लिए हमें सब कॉन्ट्रैक्टिंग की कॉस्ट चाहिए विच इज टेन डॉलर्स पर यूनिट तो जितनी भी ओवर एंड अबव दैट मिनिमम डिमांड होगी वो टेन डॉलर्स पर यूनिट के हिसाब से हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग आउटसाइड वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे एवरेज पेरे फाइव डॉलर पर आवर विच इज फोर्टी डॉलर पर डे पर वर्कर और हमारे पास जितने भी वर्कर हैं फॉर इस केस में आठ वर्कर हैं तो आठ वर्कर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके 124 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी ओवर टाइम इसमें हम नहीं पे कर रहे लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस दैट इज़ 1.6 पॉइंट आवर्स पर यूनिट इसके अलावा हायरिंग और ले ऑफ की जो कॉस्ट है वो भी इस प्लान के अंदर ये जो करंट प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें यूटिलाइज नहीं होंगे इसके अंदर दिस इज बेसिकली द चार्ट और उसके अंदर हमारी रेगुलर प्रोडक्शन की हमने ये डिटरमिन की हुई है कि ये हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये हम प्रोड्यूस करेंगे और बाकी जो है वो हमारी उसके अंदर जो कम पड़ रही है वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के जरिए हम मीट कर लेंगे अब इश्यू इसके अंदर एक चीज आई है कि राउंड ऑफ की वजह से हमारी थोड़ी सी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो उसके लिए मैंने इन्वेंट्री को बिल्डअप किया है कि जी आठ वर्कर हैं तो उसके बेसिस पर अगर हम करें तो हमारी इन्वेंट्री थोड़ी सी बिल्डअप हो जाती है तो उसको मैंने इंक्लूड कर लिया है कॉस्ट के अंदर सो दैट एक्चुअल फिगर आनी चाहिए मिनिमम डिमांड हमने कैलकुलेट की विच इज थर्टी एट दैट इज फॉर मार्च और वर्क फोर्स की कैलकुलेशन 38 एट मल्टीप्लाई बाय पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई एट गिवस एस एट वर्कर्स एंड इसके अंदर रेगुलर प्रोडक्शन जो है वो क्योंकि एट वर्कर्स हैं और उसके अंदर अंडर टाइम वगैरह को कंसिडर नहीं किया ओवर टाइम अंडर टाइम हम पूरी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर एट वर्कर्स जो हैं वो आठ बेसिकली एट वर्कर्स एट आवर्स पर डे प्रोवाइड कर रहे हैं जबकि 1.6 पॉइंट आर्स हमारे एक यूनिट को चाहिए हैं और उसके अंदर 22 डेज हैं जनवरी के अंदर तो उस बेसिस के ऊपर जनवरी की प्रोडक्शन जो है वो 880 हंड्रेड यूनिट्स बनती है और वो हमने प्रोडक्शन की और इट इज़ कॉलिंग शॉर्ट ऑफ ट्वेंटी यूनिट टू मीट दिस डिमांड जो जनवरी में है तो हमारे पास सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ट्वेंटी यूनिट्स हम प्रोडक्शन के लिए दे देते दे हैं बाहर सब कॉन्ट्रैक्टिंग के ऊपर फेबरी के अंदर सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी यूनिट्स की प्रोडक्शन होती है क्योंकि आठ वर्कर के बेसिस के ऊपर अगेन सेम फार्मूला हम यूज करें तो सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं जबकि सेवन हंड्रेड की डिमांड थी तो 20 यूनिट्स की इन्वेंटरी बिल्डअप हो जाती है नेक्स्ट मार्च में 800 की डिमांड थी जबकि प्रोडक्शन 840 यूनिट्स की हुई है और उस बेसिस के ऊपर हमने फार्मूला यही यूज करना है रेगुलर प्रोडक्शन वाला तो 840 800 जो कि डिमांड मीट करके 40 यूनिट्स इन्वेंटरी में आ गए पहले हमारे पास 20 यूनिट्स पड़े थे 40 और ऐड हो गए तो हमारे पास टोटल 60 यूनिट्स हो गए जबकि अप्रैल के अंदर ट्वेल्व हंड्रेड यूनिट्स की डिमांड है प्रोडक्शन हमारी सिर्फ एट हंड्रेड यूनिट्स की हो रही है सिक्सटी यूनिट्स हमारे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे तो वो ऐड किए तो वो हम नाइन हंड्रेड की डिमांड मीट कर सक रहे हैं लेकिन थ्री हंड्रेड शॉर्ट हो रहे हैं तो वो हम सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड सिमिलरली मई में 880 यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई और 620 हंड्रेड एंड ट्वेंटी यूनिट्स की सब कॉन्ट्रैक्टिंग इसी तरह जून में थ्री हंड्रेड यूनिट की सब कॉन्ट्रैक्टिंग की तो ये हमारा टोटल प्लान है अब इसकी अगर हम कॉस्ट कैलकुलेशन करके देखें तो एक और तरीका भी है एक तो हमने वो सम अप कर लें कि जो हमारी आ, इन हाउस प्रोडक्शन थी वो कितनी बनी तो वो एक ये भी एक तरीका है जिसके बेसिस के ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आठ वर्कर हैं एट आर्स पर डे प्रोवाइड कर रहे हैं एंड हंड्रेड एंड ट्वेंटी फोर डेज अवेलेबल हैं डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स आवर्स पर यूनिट चाहिए तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी होगी ये भी एक तरीका है एक वो पिछले वो टेबल के अंदर वो हमने पूरा बताया कि ये हमारी जो इंटरनल प्रोडक्शन है इन हाउस प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है रेगुलर प्रोडक्शन उसको आप सम कर लें छः महीने का तो वो भी यही फिगर आएगी इसी तरह सब कॉन्ट्रैक्टिंग यूनिट का देख लें कि सिक्सटी टू हंड्रेड की डिमांड थी उसमें जब फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी इन हाउस प्रोडक्शन हुई तो बाकी वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी यूनिट बच गए जो कि सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिए अब इसकी अगर हम कॉस्ट देखें तो रेगुलर प्रोडक्शन कॉस्ट थर्टी नाइन थाउजेंड सिक्स एटी बन रही है क्योंकि आठ वर्कर्स हैं फोर्टी डॉलर पर डे के हिसाब से वन ट्वेंटी फोर डेज के पेमेंट है मैंने बताया था कि इन्वेंट्री थोड़ी सी इन्वेंट्री थी जो कि हमारी एटी यूनिट्स की फाइव डॉलर से मल्टीप्लाई किया तो फोर हंड्रेड डॉलर बन गए सब कॉन्ट्रैक्टिंग वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फोर्टी मल्टीप्लाई बाय टेन गिव्स यू थाउजेंड फोर हंड्रेड और उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो बन रही है फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी डॉलर